सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग, टॉपिक वेन डायग्राम, चैप्टर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स। ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है जो एलिफेंट और लायंस है वो, इसमें क्वेश्चन ए आंसर है ए बी सी एंड डी, इसमें किससे रिलेटेड है, रिलेशन पूछा गया है कि लायंस एंड एलिफेंट का रिलेशन एनिमल से कैसे है, तो वो हमें डायग्राम में बताना है देखकर कि करेक्ट आंसर कौन है। तो जो लायन एनिमल्स वाला किंगडम है वो ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एनिमल किंगडम है, इसमें ये लायंस है एंड ये एलिफेंट है, ये ए है। बी में देखिए, बी में दिखा रहा है एलिफेंट लायंस एंड एनिमल्स, ये तो मिल ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ये डायग्राम परफेक्ट नहीं है। इसमें अगर हम इसको किंगडम कर देते हैं तो ये लायंस एंड एलिफेंट, ये भी परफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, ये अगर एलिफेंट एंड लायंस होता है तो ये किंगडम इससे एनिमल्स किंगडम अलग हो जाता है, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए आंसर नंबर ए, ये एनिमल किंगडम है जिसके अंदर एलिफेंट और लायंस दो एनिमल शो हो रहे हैं, ठीक है। इधर क्लियर, तो आंसर ए इधर क्लियर आंसर, ओके राइट आंसर। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटैटो फूड एंड वेजिटेबल्स, ओके दैट क्लियर। आंसर ए बी सी एंड डी, ऑप्शन चार दिए गए हैं जिसमें से ए में बताना है ये वेजिटेबल है, सॉरी ये फूड, ओके जिसके अंदर वेजिटेबल है और वेजिटेबल के अंदर क्या आता है पोटैटो, ठीक है, ओके ए। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या बन रहा है, अगर हम इसको वेजिटेबल मान लेते हैं तो पोटैटो फूड, ये भी नहीं है, अगर हम इसको फूड मान लेते हैं तो ये वेजिटेबल और पोटैटो, इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। डी में भी अगर हम इसको पोटैटो एंड फूड मानते हैं तो ये अलग से वेजिटेबल, नो, इसलिए आंसर नंबर ए ये है पोटैटो, लार्ज सर्कल ठीक है एंड सेकेंड सर्कल फूड, ये ऑप्शन ए में देखिए लार्ज सर्कल इज फूड, ठीक है एंड सेकेंड सर्कल इज वेजिटेबल, जिसके अंदर क्या आएगा लास्ट सर्कल फूड, ओके फिर से देख लीजिए वेजिटेबल सॉरी फूड वेजिटेबल एंड पोटैटो, इज दैट क्लियर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टी कॉफी एंड बेवरेजेस, ओके इज दैट क्लियर। तो ये इसका रिलेशनशिप बताना है टी कॉफी किससे रिलेटेड है बेवरेजेस से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर, आउटर सर्किल इज बेवरेजेस एंड जिसके अंदर टी एंड कॉफी है, ओके इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन रिपीट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशन बिटवीन टी कॉफी एंड बेवरेजेस, ओके जिसका आंसर है सी। व्हाई? बिकॉज बेवरेजेस इज ए लार्ज सर्कल जिसके अंदर टी एंड कॉफी, सर्कल के अंदर टी एंड कॉफी का रिलेशन दिखा रहा है, शो कर रहा है, ओके इसलिए सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशन बिटवीन बॉयज एथलीट एंड स्टूडेंट। हमें जो ये रिलेशनशिप दिया गया है बॉयज एथलीट एंड स्टूडेंट का, उसका हमें रिलेशन इसमें डायग्राम में चेक करना है कौन सा इसमें राइट है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, बिकॉज दिस इज बॉयज एथलीट एंड स्टूडेंट, इनका तीनों का रिलेशन इसमें शो हो रहा है। बी में शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये अगर इसमें लार्ज सर्कल अगर हम स्टूडेंट माने तो ये बॉयज और एथलीट नहीं हो सकता, इसमें ए में भी नहीं हो रहा, सी में भी नहीं हो रहा, इसलिए डी इज द राइट आंसर, बिकॉज बॉयज एथलीट एंड स्टूडेंट तीनों का रिलेशन इसमें शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, सिलेक्ट द डायग्राम विच करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ थीफ क्रिमिनल एंड जज। जो रिलेशनशिप बताया गया है थीफ क्रिमिनल एंड जज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे हमें बताना है, ओके देन रिलेशनशिप बताना थीफ क्रिमिनल एंड जज का, ओके आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी देखिए दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज क्रिमिनल
ये है, ठीक है, लार्ज सर्कल एंड थीफ जो इससे रिलेटेड है क्रिमिनल से, एंड जज, जज अलग हो गया इन दोनों से, ठीक है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये क्रिमिनल है लार्ज सर्कल जिसके अंदर थीफ इससे रिलेटेड है, ठीक है, इनर सर्कल, एंड जो अलग से सर्कल दिया गया है वो जज है, जो इनसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वो अलग है, इसलिए वो जज है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? ओके।